नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर तक ऐप डाउनलोड कर लें। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे आज आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में से पांचवें नवरात्रि की, जो कि माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 10 महाविद्याओं की, तो माँ छिन्न माता को ये नवरात्रा समर्पित होता है। यहीं पे अगर हम चर्चा करें साधारण साधकों की, जो साधक यानी जो व्यक्ति चैत्र और शारदीय नवरात्रों में इन नवरात्रों की भी पूजा करते हैं, वह कर सकते हैं माँ स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता की पूजा बहुत ही ज्यादा खास होती है, बहुत ही ज्यादा विशेष होती है, क्योंकि स्कंद माता शत्रुओं को तो परास्त करने में आपकी सहायता करती हैं, आपको हर कठिनाइयों से भी मुक्ति दिलाती हैं। मगर अगर देखा जाए तो जो दाम्पत्य निसंतान है, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत लंबा अरसा हो गया है, उनको संतान प्राप्ति भी करने में सफलता प्राप्त करवाती है। तो बहुत ही शीघ्र सफलता आपको प्राप्त होती है संतान प्राप्ति करने में, अगर आप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करते हैं। माँ स्कंद माता अर्थात स्कंद भगवान की माता, माता पार्वती, स्कंद भगवान अर्थात कार्तिकीय भगवान की माता, इसीलिए इनको स्कंद माता कहा जाता है, क्योंकि भगवान कार्तिकेय को, भगवान स्कंद को इन्होंने अपनी गोद में बिठा रखा है। इसके साथ ही साथ इनको लाल वस्त्र, लाल रंग की वस्तुएं बहुत ही अधिक प्रिय है, तो इसलिए आप इनको लाल चंदन, लाल श्रृंगार का सामान, लाल वस्त्र, लाल गुलाब के फूल या फिर कोई अन्य लाल पुष्प आप जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी भी हो जाएगी। मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम देवी स्कंद माताए नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यही पे अगर हम चर्चा करें 10 महाविद्याओं में से पांचवी महाविद्या की, तो यानी माता छिन्न माता। छिन्न माता को एक तरह से चिंतापूर्णी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर तरह की चिंता को समाप्त कर देती है। अगर आपको बहुत ज्यादा चिंताएं सताती हैं तो उनको समाप्त भी करती है, इसलिए इनको चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण में इनका वर्णन दिया गया है कि इन्होंने राक्षसों को मार करके, उनका वध करके देवताओं को विजय प्राप्त कराई थी। तो कोई भी आपका शत्रु हो, या किसी भी तरह का आपका कोर्ट का मुकदमा चल रहा हो, या आपको किसी भी तरह के काम में सफलता ना मिल रही हो, चाहे वो नौकरी का काम हो, चाहे वो आपकी परीक्षा का काम हो, चाहे वो शत्रुओं से विशत्रुओं को विनाश करने का काम हो, तो किसी भी तरह का काम हो, आपको हर काम में विजय दिलाने में माँ छिन्न माता आपको विजय प्राप्त करवाती है। आप इनका मंत्र का जप भी कर सकते हैं। मंत्र क्या है, ओम श्री माँ छिन्न मस्ताए नमः, इस मंत्र का जप करने से आपको हर तरह के कार्य में सफलता प्राप्त होती है और अपने शत्रुओं को भी आप परास्त करते हैं। लाल रंग इनका बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो इसलिए इनको लाल रंग के पुष्प या फिर लाल रंग की वस्तुएं आप भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ और भी ऐसी बातें जानने के लिए बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ। मैं आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।